भारत सरकार की संयुक्त सचिव कमल किशोर सोन आकांक्षी जिला लोहरदगा के विकास कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। जिला परिषद सभा कक्ष में संयुक्त सचिव ने जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले के उपायुक्त सहित सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बिंदुवार विभागीय समीक्षा करने के बाद विकास योजनाओं से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं लोहरदगा के विकास कार्य के लिए कई योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विकास कार्यों को पूरा करने के लिए फरवरी माह का लक्ष्य दिया गया है। संयुक्त सचिव ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही निर्देश दिया गया कि कार्यों को धरातल में उतारने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाए ताकि लोहरदगा के लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, जो आकांक्षी जिला का जो कार्यक्रम चल रहा है और आकांक्षी प्रखंड का, उसके संबंध में जुलाई महीने में मेरा प्रवास हुआ था। उस समय हम लोगों ने कुछ लक्ष्य का निर्धारण किया, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोगों ने उसकी समीक्षा की है। और मैंने अनुरोध किया है जिला प्रशासन से कि फरवरी के अंत तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की कार्रवाई की जाए। और सारे अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है और सभी अधिकारी सकारात्मक रूप से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस समेकित प्रयास से लोहरदगा जिला के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा और हम लोग सब मिल के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुख्य हमारे मुद्दे हैं जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, आधारभूत संरचना है, स्किल डेवलपमेंट है और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इन सब बिंदुओं पर आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस दायित्व को स्वीकार किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ें। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।